महंगे इधर से परेशान लोगों का झुकाव अब ई व्हीकल की ओर बढ़ रहा है। ई पॉलिसी घोषित होने से पहले शहर में 1000 ई व्हीकल थे, वही ई व्हीकल पॉलिसी घोषित होने के 8 माह में ई वाहनों की संख्या बढ़कर 11500 से अधिक हो गई। आपको बता दें कि यह देश की पहली ई व्हीकल पॉलिसी है। पॉलिसी के 8 माह में लोग ई व्हीकल खरीदने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। देश में ई वाहनों में सूरत की हिस्सेदारी अप्रैल 2022 में 3.0% से अधिक रही। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में प्रदेश के सभी शहरों में सूरत सबसे ऊपर रहा, तो वहीं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टारगेट में से 20% यानी कि 40,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन अगले 4 साल में शहर में हो जाएंगे। शहर में 150 चार्जिंग स्टेशन के निर्माण का भी काम शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।